हे एवरीबॉडी, हेल गार्डन में आपका स्वागत है। यह है BDTH नोबल का एपिसोड नंबर 197 और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप सभी पिछले वीडियो को देख चुके होंगे क्योंकि आगे आपको स्पॉयलर्स पे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। अब जैसा कि मास्टर यालाओ ने बैंक शेंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर हाल फिलहाल फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली। अब समय आ गया जियान के बाहर एडवेंचर करने का। बस ये पूरा आर्क इसी के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और इससे फ्यूचर में आपके पास औसम कंटेंट लगातार पहुंचता रहेगा। चलो अब हो जाए पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है वहां से जहां पे वो 9th टियानजुन जियान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके हाथ को अचानक से कोई पकड़ लेता है। वहीं पे उसके कान में जाती है काम आवाज। वो कहते हैं तुम अकेले 9th टियानजुन इसे कैप्चर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इसी के साथ एंट्री हो गई थी हमारे मास्टर यालाओ की। अभी उनकी स्ट्रेंथ वहां पे पहुंच चुकी थी कि बस उनके ऑरे को सेंस करके उस 9th टियानजुन के हावभाव चेंज हो जाते हैं। बस इसके आगे के पूरे सीन में मास्टर यालाओ ने डोमिनेट किया था। उनके एक ही थप्पड़ में उस ब्लैक और व्हाइट टियानजुन की बिल्ली बन गई थी। वो लोग जमीन में घुस गए होते हैं। वहीं पर जो हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स अभी भी फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, उन सभी की भी एक एक पाम में डेड बॉडीज भी नहीं बचती। इस सीन को देख के उस 9th टियानजुन की फटके हाथ में आ गई थी। वो हैंड सीज को चेंज करके 8th टियानजुन को समन करता है। हमें मालूम पड़ता है कि इस 8th टियानजुन और मास्टर यालाओ के बीच में पहले फाइट हो चुकी है जहाँ पर यालाओ ने इसे हरा दिया था। हालांकि जब वो 8th टियानजुन अभी के यालाओ को देखता है वो समझ गया था कि वो उनका मैच नहीं है, लेकिन वो 9th टियानजुन इस 8th टियानजुन को उकसा के मना लेता है। इन दोनों ने अपने अल्टीमेट अटैक को कंबाइन किया था। ये फॉर्म करते हैं एक बहुत ही बड़ी आइस बॉल को। इसके अंदर एकदम अनहाइलेशन लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर भरी हुई होती है। अगर ये नीचे गिर जाती तो फिर शायद फॉलन स्टार पवेलियन में कोई भी नहीं बचता, लेकिन जैसा उन दोनों ने सोचा था वैसा होता नहीं है। जब वो अटैक यालाओ के पास में आया था यालाओ इसे बस एक हाथ से रोक लेते हैं। अगले ही पल में उनके एक इशारे से पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद यालाओ रिवील करते हैं अपनी पावर को। वो कहते हैं नालायको अब मैं वो पुराना याओ जुंजे नहीं रहा हूँ, मैंने दोजन क्लास को पीछे छोड़ के बैंशेंग में एंटर कर लिया है। बस उनकी ये बात सभी के दिमाग में बॉम्ब जैसी फट गई थी। ये सुन के हॉल ऑफ सोल के दोनों टियानजुन तो चकरा जाते हैं। एंड में जाकर उन्हें धुंधवा के भागना पड़ा था, लेकिन यालाओ उनके पीछे एक बड़े से गिफ्ट को भेजना नहीं भूलते। इस वजह से उनकी स्पेशल क्रैक में से चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। अब उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है इसकी चर्चा फिर कभी होगी। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। अभी यालाओ की नजरें पोस्ट होती हैं उसी स्पॉट के ऊपर जहाँ से कुछ समय पहले वो 9th और 8th टियानजुन डिसअपीयर हुए हैं। एक मोमेंट के बाद उन्होंने अपनी नजरों को विड्रॉ किया था। वो दूर खड़े एक्सपर्ट्स पे कुछ खास ध्यान नहीं देते। वो टेलीपोर्ट होके लैंड करते हैं जियान के साइड में। जब उन्हें स्टार रियल्म की इतनी गंदी हालत दिखाई देती है यालाओ की आईब्राउज भी निट हो गई थी। हालांकि उनकी वजह से हॉल ऑफ सोल का ये मिशन फेल हो गया है, लेकिन फिर भी फॉलन स्टार पवेलियन के कई डिसिपल्स की जान जा चुकी है। यालाओ सहाय करते हैं। वो एक किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहते हैं अगर मैंने कुछ ही समय पहले बैंशेंग में एडवांस नहीं किया होता जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वरना जो मेरे फॉलन स्टार पवेलियन के डिसिपल्स की जाने गई हैं उनके साथ उन दोनों टियानजुन्स की भी यहीं पे कब्रें बन जाती हैं। जियान स्माइल करके बोलता है टीचर आपको बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगर आज आपने टाइम पे इंटरव्यू नहीं किया होता तो फिर इस कैलेमिटी की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन शायद नहीं बचता। ये सुन के यालाओ के चेहरे पे स्माइल सरफेस होती है। वो कहते आह ये तो तुम्हारी वजह से है, वरना बैंशेंग में एडवांस होने की तो बात ही छोड़ो, मेरे लिए पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता। जब जियान और यालाओ के बीच में चैटिंग हो रही थी तब तक फेंग जुनजे का ग्रुप भी वहाँ पे पहुंच जाता है। फेंग जुनजे दूर से यालाओ की तरफ हाथ कप करके बोलते हैं ओल्ड फेलो मुबारक हो। यालाओ स्माइल करके अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पहले रायते को साफ करने की व्यवस्था करी जाए, हॉल ऑफ सोल अब काफी लंबे समय तक यहाँ पे अटैक नहीं करने वाली। फेंग जुनजे नॉड करते हैं क्योंकि अब फॉलन स्टार पवेलियन को एक बैंशेंग गार्ड कर रहा है तो फिर हॉल ऑफ सोल भी इस बात को समझेगा कि कोई नॉर्मल एक्सपर्ट फॉलन स्टार पवेलियन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब बात होती है बैंशेंग क्लास के एक्सपर्ट की तो ऐसे एक्सपर्ट्स को हॉल ऑफ सोल के लिए डिस्पैच करना आसान नहीं है। फेंग जुनजे के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं आसपास में कई फैक्शंस के स्पाइस मौजूद हैं, हिंदी में बोले तो जासूस, परहैप्स तुम्हारे बैंशेंग में एडवांस होने की न्यूज बहुत जल्दी सेंट्रल प्लेन्स में फैल जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी खराब नहीं है, अगर अभी की तुम्हारी स्ट्रेंथ में कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट की रेपुटेशन को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर कई ओल्ड डीमंस भी हमारे फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए राजी होंगे। यालाओ नॉड करते हैं। अभी फॉलन स्टार पवेलियन की फाउंडेशन काफी शैलो है, अगर चारों पवेलियंस की बात करी जाए तो फिर उनमें सबसे नई फॉलन स्टार पवेलियन ही है। हालांकि वो भी बैंशेंग में एडवांस कर चुके हैं, लेकिन पवेलियन के अंदर दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई अपने फैक्शन को पावरफुल बनाना चाहता है तो फिर ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कभी की यालाओ सिर्फ बैंशेंग नहीं बल्कि उनके पास सेंट्रल प्लेन्स का टॉप एल्केमिस्ट होने का टाइटल भी है। ये चीज एकदम दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। जब तक वो अपने शब्दों को फैलाते हैं
कई जेन्युइन एक्सपर्ट फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। उस समय फॉलन स्टार पवेलियन नई हाइट्स को अचीव कर रही होगी। सीन दिखाया जाता है हमें कई दिनों के बाद का। हॉल ऑफ सोल के विड्रॉ करने के बाद आगे के समय में फॉलन स्टार पवेलियन काफी पीसफुल हो गया था। खैर भले यहाँ पे शांति हो, लेकिन ये सेम चीज सेंट्रल प्लेन्स के बारे में नहीं कही जा सकती। जैसे ही वहाँ पे खबर फैलती है कि फॉलन स्टार पवेलियन के पास एक बेंशेंग है, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में अप्रोर क्रिएट हो गया था। सभी अच्छे से जानते थे कि एक एलीट बेंशेंग क्या रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के एक्सपर्ट को इवन पिल टावर भी ऊपर ऊपर से पोजेस नहीं करता है। सिर्फ यही पॉइंट अभी के फॉलन स्टार पवेलियन की पोजीशन को अच्छे से बताता है। स्पेशली ये केस तब लागू होता है जब ये बेंशेंग क्लास का एक्सपर्ट इस कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप एल्केमिस्ट भी हो। ऐसा होने से मास्टर येलो की रेपुटेशन उनकी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है। इन सभी रीजंस की वजह से तीन दिनों के बाद फॉलन स्टार पवेलियन लाइवली हो जाता है। चाहे बात हो कई फैक्शंस के लीडर्स की या फिर वो हो ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स, वो सभी फॉलन स्टार पवेलियन की दिशा को पकड़ते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन को हर दिन न जाने कितने लोग विजिट करते थे। ये सीन पास्ट से एकदम बिल्कुल अलग था। ऐसी लाइवलीनेस के दौरान कुछ एक्सपर्ट्स जिनके पहले यालो से काफी अच्छे रिलेशनशिप थे, वो फॉलन स्टार पवेलियन के गेस्ट एल्डर बनने की इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये गेस्ट एल्डर नाम थोड़ा खाली खाली है, लेकिन वो कम से कम फॉलन स्टार पवेलियन की नाव पे तो आ ही गए। खैर जब ये पूरा फॉलन स्टार पवेलियन एकदम बिजी था, जियान इस लाइवलीनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसे ऐसे इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इस वजह से जैसे ही हॉलोसोल विड्रॉ करता है, जियान ने अपने आप को पीछे वाले ब्लैक टावर में कैद कर लिया था, यानी कि वो चला गया होता है रिट्रीट में। हालांकि जियान की एज के हिसाब से वो जिस तरीके के अभी की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, उसे अपनी जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान बोला जा सकता है, लेकिन शायद ये चीज जियान के लिए काफी नहीं थी। जैसे जैसे उसके हॉल ऑफ सोल से इंटरेक्शन बढ़ते जा रहे थे, वो ये सेंस कर पा रहा था कि फैक्शन कितना ज्यादा डेंजरस है। उसके टू स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ जियान अभी भी उनके साथ फाइट करने की क्वालिफिकेशंस को नहीं रखता। हालांकि जियान की फर्म सपोर्ट बनने के लिए मास्टर यालो की मैनेजमेंट की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन दिन ब दिन और भी स्ट्रांग होता जा रहा था, लेकिन जियान के दिल में एक बात बिल्कुल क्लियर थी, उसे अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाय करना होगा। इस वजह से जब बात होती है ट्रेनिंग की, जियान बिल्कुल आलस नहीं दिखाता। जियान जो कि ब्लैक टावर के अंदर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है, हम उसे गहरी सांस लेते हुए देख सकते हैं। उसकी बंदाकें स्लोली खुल जाती हैं। जब वो दुखी से भरी अपनी बॉडी को सेंस करता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल सरफेस हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान आई थी, उसके साइड से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो कहते हैं क्या तुम उठ गए। जब जियान साइड में देखता है, उसे दिखाई देते हैं मास्टर यालो। अभी वो एक विंडो के साइड में अपने हाथों को पीछे करे हुए खड़े हुए होते हैं। उनके चेहरे पे स्माइल्स ही स्माइल्स थी। टीचर को देख के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। वो फटाक से उन्हें ग्रीट करती हुई बोलता है, टीचर आप यहाँ पे क्यों आए। यालो स्माइल करते हैं। वो कहते हैं उन मैटर्स को संभालने के लिए ओल्ड फंग ही काफी है, कुछ तुम्हारी तरह मुझे भी ऐसे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहली कड़वी दवा को खा चुका हूँ, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बार एक सफिशियंट पावरफुल फैक्शन को स्टेबलाइज करना ही होगा। जियान स्माइल करता है। तभी उसे कुछ याद आता है, उसकी उंगली जाती है उसकी स्टोर रिंग की तरफ। उप्स, ये थी मास्टर येलो की रिंग। वो इसे अपनी उंगली से बाहर निकाल के मास्टर येलो को ऑफर करती हुई बोलता है, टीचर क्योंकि आप रिवाइव हो चुके हो तो फिर इस चीज को आपके पास वापस आ जाना चाहिए। इस डार्क ब्लैक रिंग को देख के येलो स्टार्टल्ड हो गए थे। उनकी आंखों में एक मेलनकोलिक एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो अपनी अंगूठी को रब करते हुए बोलते हैं, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी नॉलेज को इकट्ठा किया है वो सब इस रिंग में मौजूद है। इसके अंदर की मैक्सिमम चीजों को तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि तुम अब टीचर को छोड़ सकते हो। येलो इस अंगूठी को अपनी उंगली पे पहनते हुए बोलते हैं, हाँ ये बात सही है कि इन चीजों का तुम्हारे साथ रहना कुछ खास यूजफुल नहीं होगा। तुरंत ही उन्होंने टॉपिक को चेंज कर दिया था। वो कहते हैं लेकिन एक चीज ऐसी है जो तुम्हारे बहुत काम में आएगी। ये कहने के बाद येलो अपनी उंगली को प्रेस करते हैं स्टोरेज रिंग के ऊपर। इसमें से एक व्हाइट फ्लेम का क्लस्टर राइज हुआ था। फाइनली ये फ्लेम का क्लस्टर येलो के सामने आके सस्पेंड हो जाता है। ऑफ कोर्स ये होती है बोन चिलिंग फ्लेम। इसे इनको देख के जियान चौंक गया था। वो कहता है टीचर, मास्टर येलो की जेंटल आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहते हैं तुम फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करते हो, हेवली फ्लेम्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं बेंशेंग में एडवांस कर चुका हूँ, ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे लिए बहुत यूजफुल नहीं रह गई है। ये सुन के जियान ने अपने सिर को हिलाया था। वो एक कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ बोलता है, टीचर अब आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो, मैं पहले की तरह इनएक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, इस बोन चिलिंग फ्लेम को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो इस बात को अच्छे से जानता था कि सभी अल्केमिस्ट हेवली फ्लेम्स के लिए तरसते हैं। हालांकि अभी के येलो बेंशेंग बन चुके हैं, लेकिन उनके लिए बोन चिलिंग फ्लेम को पोजेस करना ये किसी टाइगर के पंख लगने जैसा होगा। जिस तरीके से टीचर कह रहे हैं कि उनके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, ये बात बिल्कुल बकवास है। जियान को देख के येलो अपना सिर हिलाने लगे थे। वो अंदर से काफी हेल्पलेस फील करते हैं। वो जानते थे कि सामने खड़ा यूथ वो पुराना अनजान लड़का नहीं है, लेकिन इससे वो अपने निर्णय को बदलते नहीं है। वो जियान को इग्नोर करते हुए अपनी उंगली को बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर प्रेस कर देते हैं। बोन चिलिंग फ्लेम ट्रेम्बल होने लगी थी,
लेकिन कुछ सेकेंड्स के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। वहीं पर यालो का चेहरा सफेद हो चुका था। यालो बोन चिलिंग फ्लेम को रब करती हुए कहते हैं, लिटिल फेलो, मैंने बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर से अपने इम्प्रिंट को ऑलरेडी रिमूव कर लिया है, लेकिन इस बोन चिलिंग फ्लेम को मैं बहुत सालों से रिफाइन करता आ रहा हूँ। भले इसके अंदर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रिमूव हो गया, ये फिर भी तुम्हारा काफी विरोध करने वाली है। इस वजह से तुम कुछ समय के लिए फ्लेम मंत्र का यूज करके इसे रिफाइन करके सॉल्व नहीं कर पाओगे, वरना तुम इसकी बैकलैश का सामना करना होगा। उनके चेहरे पे आ गई थी स्माइल। अगले ही पल में वो इस बोन चिलिंग फ्लेम को फ्लिक कर देते हैं। ये जियान की तरफ ड्रिफ्ट होकर उसके सामने आके सस्पेंड हो जाती है। वो कहते हैं, तुम्हें इसके अंदर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को प्लांट कर देना चाहिए। तुम इसे तब तक अपने बॉन्ड के अंदर रखना जब तक इसका रेजिस्टेंस तुम्हारे खिलाफ खत्म न हो जाए, क्योंकि तब तुम इसे मर्ज हो पाओगे। सामने सस्पेंड हुई सफेद फ्लेम को देख के जियान की आंखें भी लाल हो चुकी थी। ये बोन चिलिंग फ्लेम यालो का बहुत समय से साथ निभा रही है, लेकिन इस समय उन्होंने पर्सनली इस बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर से अपने इम्प्रिंट को हटा दिया है। यालो एक रिग्रेटफुल आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर तुम इसे सॉल्व कर भी लेते हो तब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली। अब इस लेवल की हेवली फ्लेम तुम्हारे लिए काफी नहीं है। वो तुरंत ही कहते हैं, ठीक है, तुम जल्दी से इसके अंदर अपने इम्प्रिंट को छोड़ो। ये देख के जियान के चेहरे पे बिटर एक्सप्रेशन आता है। अब क्यों कुछ चीजें यहाँ तक आ गई है तो फिर वो इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगले पल में जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी उंगली टच करती है बोन चिलिंग फ्लेम को जो उसके सामने सस्पेंडेड थी। उसकी आईब्राउज के बीच में से एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बाहर आता है जो कि उसके हाथ से होकर उस बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर एंटर कर गया था। इस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को अपने अंदर एंटर करते हुए फील करके बोन चिलिंग फ्लेम शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाती है, लेकिन अभी उसका कोई ओनर नहीं था। इस वजह से कुछ और समय के बाद इसका रेजिस्टेंस और भी वीक होता जाता है। अंत में जाके जियान ने सक्सेसफुली अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को इसके अंदर प्लांट कर दिया था। जब जियान का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इसके अंदर सक्सेसफुली प्लांट होता है, हम इस बोन चिलिंग फ्लेम को ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। ये तुरंत एक फायर ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की आईब्राउज के बीच में एंटर कर गई थी। बोन चिलिंग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हुए फील करके जियान के आईब्राउज के बीच की फायर सील एकदम हॉट हो जाती है। केयरफुली सेंस करने के बाद जियान ये पाता है कि वो बोन चिलिंग फ्लेम उसकी आईब्राउज के बीच में अभी सस्पेंडेड है। ये उसकी वेन्स में एंटर करके 3000 बर्निंग फ्लेम से मिलने के कोई साइंस को शो नहीं कर रही है। क्लियरली इसका कारण इसका रेजिस्टेंस है। खैर जियान को इस सब की परवाह नहीं थी, कभी न कभी ये विरोध खत्म हो जाएगा, ये बस एक मैटर ऑफ टाइम की बात है। यालो कहते हैं, हाँ मुझे याद आया, क्या तुमने प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सारे मैग फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया? इस बात को सुन के जियान तुरंत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। वो अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, जब से मैंने लास्ट पीस को ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर ऑब्टेन किया था, मुझे अभी तक बचे हुए एंशिएंट मैग फ्रेगमेंट के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली है। यालो कहते हैं, प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत मिस्टीरियस है, इवन तुम्हारे टीचर ने भी इसे कभी देखा नहीं है। अगर तुम इस लेवल की हेवली फ्लेम को ऑब्टेन कर पाते हो तो फिर उसके फायदे से ये बोन चिलिंग फ्लेम बिल्कुल कंपेयर नहीं करी जा सकती। चलो आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए इसके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करूंगा, जियान नॉड करता है। तब यालो कहते हैं, हाँ मुझे याद आया, तो मैं ढूंढते तुम्हारी जान पहचान का एक इंसान अभी फॉलन स्टार पवेलियन तक पहुंच चुका है, क्या तुम उसे मिलना चाहते हो? अभी यालो का एक्सप्रेशन काफी अजीब था। उनकी ऐसी अपीयरेंस को देख के जियान चौंक जाता है। वो कहता है, कौन? यालो कहते हैं, नालन न्यानरन। इस नाम को सुन के जियान की भौहें सिमट गई थी। जिस तरीके का नालन न्यानरन का कैरेक्टर है, वो बिना किसी रीजन के जियान को बिल्कुल नहीं ढूंढेगी। वो समझ गया था कि ये यूनियन की वजह से है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा हॉल। अब इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी फिगर बैठी हुई थी। इसने हल्के हरे रंग के कपड़ों को पहन रखा होता है। इन कपड़ों में उसकी लवली बॉडी काफी इंचेंटिंग लग रही होती है, लेकिन अगर इसके चेहरे की बात कर ली जाए तो ये चेहरा पहले से काफी सूखा सूखा सा लगता है। हर बार जब वो टीकअप को ऊपर उठाया करती थी, उसकी आंखें हॉल के एंट्रेंस की तरफ देखती थी। इससे पहले इस बेचारे की एंजाइटी ज्यादा बढ़ पाती, हमें क्रीक आवाज सुनाई दी थी। हॉल का वो बंद दरवाजा खुल जाता है। तुरंत ही एक फैमिलियर सा यंग फिगर अंदर एंटर करता है। दरवाजे के खुलने की आवाज को सुन के नाला न्यानरान की आंखें भी इस यंग फिगर पे जाके पॉज हो गई थी। उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। पिछले कुछ समय में जियान ने सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कैसे कैसे कारनामे करे, ऑफकोर्स नाला न्यानरान ने उन सभी के बारे में सुन रखा होता है। हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बाद अब वो जियान से मिल पा रही है। तब उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान सेंट्रल प्लेन्स में आके अपनी ऐसी रेपुटेशन को बना पाएगा, जहाँ पे एक्सपर्ट्स गली के हर एक कोने में देखे जा सकते हैं। हालांकि नाला न्यानरान अंदर से काफी कड़वाहट फील कर रही थी, लेकिन वो उसे सप्रेस करके रखती है। अभी की नाला न्यानरान पहले वाली सेंटिमेंटल लड़की नहीं रही। वो क्लियरली जानती थी कि अभी के उसके बीच में और जियान के बीच में कितना ज्यादा बड़ा गैप है। सामने खड़े इस लड़के के सामने उसका सारा पुराना घमंड किसी काम का नहीं है। जियान हॉल में अंदर आते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जब मैं हेवनली माउंटेन ब्लड पूल से बाहर आया था तब तुम ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी। जियान की नजरें नाला न्यानरान के हैगर्ड चेहरे पे भी चली जाती हैं। वो अंदर से काफी साय कर रहा था। नाला न्यानरान नॉड करती है। वो कहती, हाँ मेरे पास
सब कुछ जरूरी काम लग गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारा वेट नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों, लेकिन अब जब वो जियान से बात कर रही है उसका दिल एंग्शियस फील कर रहा है। शायद ये एंग्शियसनेस अभी उनके स्टेटस और स्टैंड की वजह से है। फॉलिंग स्टार पवेलियन ने बैंगशेंग के अपीयर होने वाली न्यूज अभी सेंट्रल प्लेन्स में ऑलरेडी फैल चुकी है। हालांकि इस लेवल का एक्सपर्ट नाला न्यानान से बहुत दूर है, लेकिन वो इस लेवल की पावर की सिग्निफिकेंस को अच्छे से जानती थी। अगर वो ये भी भूल जाए कि जियान के टीचर बैंगशेंग है, तब भी जियान ने जिस तरीके से सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए हेवली माउंटेन ब्लड पूल के अंदर डायरेक्टली दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया था, इस चीज के बारे में नाला न्यानान बस सोच ही सकती है। हम देखते हैं जियान को जब वो नाला न्यानान के अनईजी बिहेवियर को सेंस करता है, वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, लगता है तुम्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तुम इसी की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन आई हो, राइट? ओरिजिनली ये लेडी जो कि सामने बैठी हुई है वो उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी, लेकिन अभी किसी स्ट्रेंजर की तरह है। जियान की बात को सुनकर नाला न्यानान के हाथ टाइट हो जाते हैं। वो हेजिटेट करते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर की हेल्प करो। इन शब्दों को सुनकर जियान की धड़कने तुरंत ही बढ़ जाती है। अब वो फोकस्ड मोड में आ चुका था। जियान कहते हैं, मुझे ऐसा लग ही रहा था, तुम थोड़ा क्लियरली बात करो। वो औरत जो कि जामा एम्पायर की सबसे रिस्पेक्टेबल इंसान थी, जियान ने सबसे पहले टच उसे ही किया था। इसी कारण की वजह से अल्टीमेटली जियान के दिल में यूनियन का वजन काफी ज्यादा है, क्योंकि वो पहले मिस्टी क्लाउड साहब की चीफ थी। इस वजह से वो बेचारी जियान और उसके टीचर के बीच में फंसी रह गई। एंड में जाके जियान ने उस एक्ट को बर्बाद कर दिया जिसमें वो पल्ली बड़ी थी। ओरिजिनली उसके दिल में जियान के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जियान से नफरत नहीं कर पा रही थी, उसने पूरे जामा एम्पायर को ही छोड़ दिया। शायद अपने दिल के दर्द से बचने का उसके पास यही रास्ता रह गया होगा। हम देखते हैं नाला न्यानान की तरफ। वो एक बिटर स्माइल के साथ बोलती है, मैं पर्सनली एक्शन लेके यहाँ पे आ रही हूँ। टीचर नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान करूँ। जियान नॉड करता है, ये उसके लिए कुछ खास सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर यूनियन ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाती है जिसे खुद से सेटल नहीं कर पाएगी, तब भी इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जियान से बिल्कुल हेल्प नहीं मांगने वाली। जियान अच्छे से समझता था कि वो ब्यूटीफुल सी वुमन कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। जब जियान के दिमाग में ये सभी विचार आ रहे होते हैं, नाला न्यानान ने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी थी। वो कहती, ओरिजिनली मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, जैसे ही हम सेंट्रल प्लेन्स में आए टीचर ने फ्लावर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। ये सेक्ट थोड़ा यूनिक है, ये बस फीमेल्स को ही एक्सेप्ट करता है, और तो जिस तरीके से बाकी फैक्शंस एकदम अग्रेसिव होते हैं, ये फैक्शन शांति में बिलीव करता है। जियान इन सभी पॉइंट से एग्री करता था। अगर फ्लावर सेक्ट को प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से कंपेयर किया जाए तो फिर फ्लावर सेक्ट ने हमेशा अपनी प्रोफाइल को काफी लो रखा है। नाला न्यानान कहती है, हमने बस इस सेक्ट को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि टीचर को यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद आया था, इस वजह से वो एक गेस्ट एडलर पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैं और टीचर वहाँ पे काफी लंबे समय तक रहे। ओरिजिनली अगर चीजें नॉर्मल तरीके से चलती रहती तो फिर हम दोनों को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। आफ्टर ऑल हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें फ्लावर सेक्ट के अंदर बस एवरेज कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ तक बोलते बोलते नाला न्यानान के चेहरे पे काफी कड़वाहट दिखाई दे रही थी। वो कंटिन्यू करते हुए बोलती है, जब मुझे और टीचर को इस एक्ट को ज्वाइन कर एक से ज्यादा साल हो जाता है, परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। तब टीचर को फ्लावर सेक्ट की टेरिटरी में एक माउंटेन मिला था जहाँ पे हम दोनों रह सकते हैं। कोई भी हमसे वहाँ पे पूछताछ करने नहीं आता। इनिशियली हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस माउंटेन में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि जब टीचर ऐसे ही घूम रही होती है उन्हें गुफा मिलेगी। इस केव के अंदर एक बुढ़िया होती है, इसके दोनों पैर खराब हो चुके थे। यहाँ तक सोचते सोचते जियान की आंखें भी फ्लक्चुएट करने लगती है। नाला न्यानान कहती है, इस ओल्ड वुमन का टेम्परेचर काफी अजीब होता है। टीचर को डिस्कवर करते ही वो एक अटैक में टीचर को दूर फेंक देती है। इस वजह से टीचर को इंजरीज का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर टीचर गुस्सा ना होके उन्होंने उस बुढ़िया को लगातार खाना देना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस 2 साल तक चलता रहता है। 2 सालों के बाद वो ओल्ड वुमन उस केव से बाहर आने का डिसीजन लेती है। वो हमारे साथ 1 साल तक रही थी। यहाँ तक सुनते सुनते जियान अपना सिर हिलाता है। 2 साल तक खाने को लगातार डिलीवर करना, यनियन ने एक्चुअली में ऐसा किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वुमन इतनी दयालु कैसे हो सकती है। कहानी आगे कंटिन्यू होने लगी थी। वो कहती है, जब हम तीनों एक साथ 1 साल तक और रहते हैं, उस ओल्ड वुमन का टेम्पर काफी अच्छा हो गया था। हम उसे ग्रैनी हुआ बोलते थे। खैर उसका बैकग्राउंड क्या है हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। हमने ये भी डिस्कवर नहीं किया था कि वो एक एक्सपर्ट है। नाला न्यानान साय करती है। वो कहती है, लेकिन वो ओल्ड वुमन लंबे समय तक जीने वाली नहीं थी। हमारे साथ 1 साल तक रहते रहते वो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच गई थी। हाउएवर जब वो अपनी लिमिट तक पहुंचने वाली थी, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक सीक्रेट टेक्निक को यूज किया था जिससे उसकी लाइफ की सारी सारी दुखी टीचर की बॉडी में सील हो चुकी है। और तो और उस बुढ़िया ने एंड में जाके टीचर के हाथ में एक जेड टैबलेट भी थमाया था। उसके हिसाब से टीचर को फ्लावर सेक्ट का अगला चीफ बनना होगा। यहाँ तक बोलने के बाद नाला न्यानान का ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो कि अपना मुंह खोल के कुछ पूछने वाला था। वो हंस के कहती है, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? उस समय हमें भी ऐसा लग रहा था कि लास्ट में जाके औरत बिल्कुल पागल हो गई है।
रेस्क्यू करते समय टीचर ने ग्रैनी हुआ को अच्छे से एग्जामिन किया था। तब ग्रैनी हुआ की बॉडी में दुखी का बिल्कुल ट्रेस नहीं था, लेकिन ग्रैनी हुआ की आखिरी दिन की परफॉर्मेंस को देख के ये बात क्लियर होती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट थी। उनकी स्ट्रेंथ दूजन क्लास के पीक पे पहुंच चुकी थी। जियान कम हो गया था डब्बे जैसा। सिर्फ एक रहने की जगह को ढूंढने से कोई इतना लकी हो सकता है? ऐसे भाग्य को क्या बोला जाएगा? अगर ऐसे फॉर्च्यून से जियान को कंपेयर किया जाए जिसने अभी तक अपनी जर्नी में लोहे के चने चबाए, तो फिर उसे तो पत्थर से अपना सर मार के मर जाना चाहिए। तभी जियान कुछ सेंस करता है। वो देखता है कि नालन यानरान के चेहरे पे फ्यूरियस एक्सप्रेशन आ चुका है। वो एक्सप्लेन करते हुए आगे बोलती है, ऐसी परिस्थिति का सामना करके टीचर भी काफी हेल्पलेस थी, लेकिन फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इस वजह से ग्रैनी हुआ की डेड बॉडी को दफनाने के बाद हम लोग उस जगह पे लगातार बने रहते हैं। किसे पता था कि 6 महीने बाद फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ टीचर के सामने अपीयर होकर उसे जे टैबलेट की डिमांड करेगी। क्योंकि टीचर फालतू में परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने जे टैबलेट को उसे थमा दिया। लेकिन वो औरत जैसे जे टैबलेट को ऑब्टेन करती है, वो अगले दिन ही हमारे लिए परेशानी खड़ी करने आ गई थी। इस बार उसकी टारगेट होती है ग्रैनी हुआ की दुखी, जिसे टीचर की बॉडी में सील कर दिया गया है। यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद गुस्से की वजह से नलन यानरन का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। जियान कहता है, इस फ्लावर सेक्ट की चीफ की स्ट्रेंथ कैसी है? नलन यानरन के चेहरे पे हेल्पलेस एक्सप्रेशन आया था। वो कहती है, वो औरत तो बस एक एक्टिंग चीफ है। हाँ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 जोन पे पहुंच चुकी है। लेकिन जिसे डील करना सबसे ज्यादा ट्रबल सम है वो नहीं है, बल्कि वो है उसका मेल कंपेनियन याहुआ लियांग जुन। ये बंदा 6 स्टार 2 जोन की स्ट्रेंथ को पजेस करता है। अभी जियान अपनी उंगलियों को टेबल पे टैप कर रहा होता है। वो कहता है, 6 स्टार 2 जोन, हाँ, ये फ्लावर सेक्ट सेंट्रल पिंस के 2 सेक्ट में से एक कहलाने का वर्दी था। अगर सेंट्रल पिंस के एक्सपर्ट्स की बात करी भी जाए, तब भी एक 6 स्टार 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट्स को काफी खतरनाक माना जाएगा। जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है, यिन को ग्रैनी हुआ की इनहेरिटेंस मिल गई है। वो तब भी दोनों का सामना नहीं कर पा रही। नालन यानरन हताश महसूस करती है। वो कहती है, इतने कम समय में टीचर दुखी के इतने खतरनाक अमाउंट को कैसे रिफाइन कर सकती है? अभी वो दुखी सील टीचर की बॉडी से मर्ज हो चुकी है। अगर इसे कोई बाहर निकालता है तो फिर टीचर की जान चली जाएगी। क्लियरली वो दोनों लोग टीचर की जान के पीछे हैं। अच्छी बात है कि जब ग्रैनी हुआ जिंदा होंगी तब उन्होंने पहले से ही कुछ प्लानिंग कर दी थी। इस वजह से कई एल्डर्स टीचर की साइड ले रहे हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से वो औरत टीचर के ऊपर दुखी की डकैती नहीं डाल सकती। हाउएवर उसने टीचर को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। वो टीचर से मैच करना चाहती है। यहाँ तक बोलते बोलते नलन यानरन हंसने लगती है। वो कहती है, ओरिजिनली अगर ये नॉर्मल फाइट होती तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन फ्लावर्स एक्ट में एक अजीब सा रूल है। रूल के हिसाब से एक औरत और आदमी साथ में फाइट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो औरत उस याहुआ लियांजुन के साथ में पार्टिसिपेट करेगी। ये सुनके हम जियान की आईब्रोज को निट होता हुआ देख सकते हैं। एक 4 स्टार 2 जोन और एक 6 स्टार 2 जोन, ये तो यिन को बुली कर रहे हैं। जियान कहते तो फिर क्या? नलन यानरन रिप्लाई करती है। वो कहती है, टीचर ने ऑलरेडी एग्री कर लिया है। वो अपोनेंट्स के बार बार परेशान करने से इरिटेट हो गई थी। ये सुनके जियान का तो दिमाग हिल गया था। वो फ्यूरियस तरीके से चिल्लाती हुई बोलता है, क्या उसके पास दिमाग नहीं है? ये तो सीधा सामने से मौत को बुलावा दे रही है। नलन यानरन काफी डिजेक्टेड थी। उसकी नजरें जाती हैं सामने बैठे यंग मैन की तरफ, जिसके चेहरे पे गुस्सा भरा हुआ है। वो कहती है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं रह गया था। अगर तुम इंटरवीन नहीं करते हो तो फिर टीचर की जान नहीं बचेगी। इस वजह से प्लीज टीचर की हेल्प करो। ऑल राइट, इस लड़की को इस तरीके से भीख मांगती हुए देख जियान भी काफी कॉम्प्लिकेटेड फील करने लगा था। वो डीप आवाज में पूछता है, इस मैच की शुरुआत होने में कितना समय बाकी है? जवाब आता है, 15 दिन, आधा महीना। हाँ, ये सुनके जियान की आईब्रोज नीट हो गई थी। सिर्फ जियान की करेंट लोकेशन से फ्लावर सेक्टर तक जाने में ही 10 दिन लग जाते हैं। लगता है जियान के पास समय की काफी कमी है। जियान पूछता है, क्या पूरे फ्लावर सेक्ट में यिन को अपोज करने वाली वो सेक्ट चीफ ही है? बाकी के एक्सपर्ट्स का क्या? ये फ्लावर सेक्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्शन है जिसकी इनहेरिटेंस काफी पीछे तक जाती है। इस सेक्ट की फाउंडेशन बिल्कुल वीक नहीं होगी। अगर पूरा फ्लावर सेक्ट यिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इस मामले को सेटल करने के बाद भी यिन को वहाँ पर रहने में परेशानी होने वाली है। जियान के इन क्वेश्चंस को सुनकर नलन यानरन एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, हाँ ये बात सही है कि फ्लावर सेक्ट की फाउंडेशन बहुत ही डीप है, लेकिन ओल्ड जनरेशन के सभी ट्रू एक्सपर्ट्स अपना मैक्सिमम टाइम बस रिट्रीट में ही निकालते हैं। अगर वो ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स अभी जाग रहे होते तो फिर ये औरत अभी एक्टिंग चीफ नहीं होती। और जहाँ तक बात रही बाकी के एल्डर्स की, तो वो सभी ग्रैनी हुआ से लॉयल हैं। वो नेचुरली टीचर के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। परेशानी बस उस औरत की है। जियान कहते हैं, तो ऐसी बात है, हाँ उसका दिल थोड़ा वार्म हुआ था। अगर यिन को अपोज करने वाली सिर्फ वो औरत है तो फिर इस मामले को सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। जब जियान डीप थॉट में चला गया था, उसके कानों में एंटर करती एक एल्डरली आवाज। वो कहते हैं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। न जाने कब जियान के साइड की सीट के ऊपर येलो का फिगर आ चुका था। अब भी उनके चेहरे पे स्माइल होती है। ये देख
के जियान चौंक जाता है। वो कहता है टीचर, वो तुरंत ही नोट कर देता है, ये मैटर यूनियन से रिलेटेड है, वो अपने पैरों को पीछे नहीं ले सकता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो उससे फ्लावर सैक जाना ही होगा। जैसे ही नालन यानन यालो को देखती है उसने अपने चेहरे के इमोशंस को तुरंत ही दबा लिया था। वो जानती थी कि सेंट्रल पेंस में यालो की कैसी रेपुटेशन है, ऐसे बिग शॉट के सामने उसका निजी फील करना काफी नॉर्मल भी है। यालो का ध्यान भी गया था नालन यानन की तरफ। वो साय करके कहते हैं बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि उस ओल्ड वुमन याहुआ का भी टाइम खत्म हो गया। यालो को साय करते हुए देख जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो इमीडिएटली समझ जाता है कि टीचर जैसे हुआयू बोल रहे हैं वो वही यानन की मिस्टीरियस ग्रैनी हुआ है। जियान यालो से पूछता है टीचर क्या आप उनके बारे में जानते हो। यालो नोट करते हैं, वो कहते हैं सेंट्रल पिंस के अंदर ये औरत मुझसे पहले फेमस हो चुकी थी, उस औरत की पर्सनैलिटी काफी एक्साइटिंग थी, पहले मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, क्योंकि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी, उसके कई अपोनेंट्स थे, और जहाँ तक बात रही उसके पैरों के टूटने की तो वो मेरे इंसिडेंट के बाद की बात होगी, लगता है उसने एक्सट्रीमली सीरियस इंजरीज का सामना किया होगा वरना उसका अंत इतनी जल्दी नहीं आता। ये कहने के बाद वो एक स्माइल के साथ बोलते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो यूनियन काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है, वो एक्चुअली में उस ओल्ड वुमन की इनहेरिटेंस को हासिल कर पाई है। उस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी किसी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसका कैरेक्टर काफी एक्सेंट्रिक था जिसकी वजह से वो किसी पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन यूनियन उसके विश्वास को जीत पाई है। ये कहा जा सकता है कि वो लड़की बहुत ही ब्लेस्ड है। यालो कहते हैं फ्लावर सेक्ट में कई एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ तक बात रही उस एक्टिंग चीफ की, वो तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं कर सकती, जिसे डील करना ट्रबलसम होने वाला है वो है उसका मेल कंपेनियन याहुआ लियांजुन, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे डील कर पाओगे। जैसे वो अपनी चुटकी बजाते हैं जियान की तरफ एक क्रीम वाइट टेबलेट जाता है। यालो कहते हैं एक स्पेशल जीट टेबलेट है जिसे मैंने क्रिएट किया है, जब तुम्हें लगे कि सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं हो रही तुम इसे शैटर कर सकते हो, मैं जिसे तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। फ्लावर सेक्ट के कई वो ओल्ड फेलोज मेरा उनके ऊपर एक एहसान है, एक बार तुम मेरे नाम को लेते हो वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करने वाले। जियान इस जे टैबलेट को रिसीव करने के बाद इसके अंदर की वास्ट और माइटी स्पेशल स्ट्रेंथ को सेंस करता है। उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जियान के चेहरे पे थोड़ी हेजिटेशन फ्लैश हुई थी। वो कहता है इस बार मैं चिंगलिन को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अभी लिटिल फी डॉक्टर और टियानो जुनजी रिट्रीट में है, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है, और फिर चाहे कुछ भी हो उसकी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से भली से किसी 7-star दुश्मन का सामना भी करना पड़ता है तब भी जियान कम से कम वहाँ से भाग पाएगा, और तो और भले ही चिंगलिन की स्ट्रेंथ अभी 1-star दुश्मन पे ही हो, लेकिन एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल को समन करने के बाद वो एक 6-star दुश्मन से फाइट कर सकती है। ऑफ कोर्स यालो को इससे कोई परेशानी नहीं थी, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, टियानो जुनजे का यहाँ पे ही रहना सही होगा, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पीक स्ट्रेंथ को जल्दी से रिकवर करें, हालांकि तुमने लिटिल फी डॉक्टर की वो फुल पॉइजन पिल को रिफाइन करने में हेल्प कर दी है, लेकिन अभी वो फुल पॉइजन बॉडी की टूर स्ट्रेंथ का अनलीश होना बाकी है, इस समय के दौरान मैं उन दोनों की हेल्प करूंगा, जब तुम अगली बार यहाँ पे वापस आओगे तो फिर तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। इस उनकी जियान खुश हो गया था, वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यालो पर्सनली एक्ट कर रहे हैं, टियानो जुनजे के लिए अपनी पीक स्ट्रेंथ को रिकवर करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। वहीं पे जब बात होती है वो फुल पर्सन बॉडी को ट्रीट करने की, तो फिर अभी का जियान भी भयानक से लेवल के एक्सपीरियंस को रखने वाले यालो से कंपेयर नहीं कर सकता। वो कहते हैं अगर ये पॉसिबल होता है तो फिर इस ट्रिप के दौरान तुम्हें यूनियन की फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने में हेल्प करनी चाहिए, फ्लावर सेक्ट बहुत ही पावरफुल सेक्ट है, अगर यूनियन उसकी चीफ बन पाती है तो फॉलन स्टार पवेलियन को एक बहुत ही पावरफुल एलाई मिल जाएगा। जियान नॉड करता है, जैसे उसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को फोर्सफुली डिसबैंड कर पाया यूनियन का बड़ी पोजीशन से दिल हट गया। अभी जियान भी नहीं कह सकता कि क्या यूनियन फ्लावर सेक्ट की चीफ बनना पसंद करेगी। जियान को एग्री करते हुए देख यालो स्माइल के साथ अपने हाथ को वेव करते हैं, वो कहते हैं आह ठीक है तुम लोगों को भी जाना चाहिए, तुम्हारे पास टाइम की कमी है। ये सुनकर जियान एक बार सर को झुकाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के जाने लगा था। नलन यानन भी यालो की तरफ एक बार बाव करती है, जिसके बाद वो जियान को फॉलो करने लगी थी। हॉल से बाहर आने के बाद जियान ढूंढता है चिंगलिन को, फिर वो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा नलन यानन को फॉलो करने लगा था। इनकी डेस्टिनेशन होती है फ्लावर सेक्ट। अगर फ्लावर सेक्ट की बात करी जाए तो ये सेंट्रल पिंस के वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड होता है। फॉलन स्टार पवेलियन और फ्लावर सेक्ट ये दोनों फैक्शन एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इवन जियान की ट्रियो की स्पीड के बाद भी उन्हें फ्लावर सेक्ट तक पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। अच्छी बात है फॉलन स्टार पवेलियन से बाहर आने के बाद चिंगलिन ने एक 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर को समन करती है। फाइनली चिंगलिन के एक ऑर्डर पे वो एक्सपर्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म को ले लेता है। इसके ऊपर राइड करने के बाद ही वो दोनों अपनी थकान को बचा पाए थे। अभी हवा में एक बहुत ही बड़ी बॉडी शटल करती हुई दिखती है। जब वो इनॉर्मस बॉडी ट्विच होती थी हवा में कई साउंड वेव क्रिएट होती थी। हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर जो कि इस स्नेक के ऊपर बैठा हुआ था। हालांकि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर की बॉडी काफी स्लिपर
रही थी, लेकिन जियान अपनी जगह से डसे मस नहीं होता। सामने से काफी तेज हवाएं आती हैं, लेकिन इनकी वजह से जियान का एक बाल भी नहीं हिला था। इस समय जियान ने अपनी आंखें बंद करके रखी होती हैं। उसका पूरा फोकस था उसकी आईब्राउज के अंदर। उस स्पॉट पे बोन चिलिंग फिल्म काफी अनयूजुअल टेम्परेचर को शो कर रही थी। ये फिल्म बाकी की फिल्म से अलग है। ऐसी फिल्म एक आइसी कोल्ड फीलिंग को देती है, लेकिन ऐसी आइसी चिलनेस के अंदर एक वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी छिपी हुई होती है। इस फिल्म के अंदर ये दोनों एनर्जीज मिस्टीरियस तरीके से मर्ज होती हैं। जियान के आईब्राउज के बीच में उसकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है। अच्छी बात है कि यहाँ पे आने से पहले उसने बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को प्लेस कर दिया। इस वजह से इसके मिस्टीरियस टेम्परेचर की वजह से जियान की सोल को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से जियान की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन और भी लाइवली होती जा रही थी। अभी बोन चिलिंग फ्लेम काफी फियर्स तरीके से चल रही होती है। जियान की आईब्राउज के बीच में जो फायर सील थी, हम उसे लगातार ग्लो करते हुए देख सकते हैं। अभी जियान लगातार अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। न जाने कितने सालों से यालो इस फ्लेम को रिफाइन करते आ रहे हैं। भले यालो ने इसके ऊपर से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा लिया हो, लेकिन इस हेवनली फ्लेम को देख के ऐसा लगता है जैसे बाकियों की सोल्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जियान की कोशिश होती है कि ये बोन चिलिंग फ्लेम उससे ग्रेजुअली यूज टू हो जाए, जैसे वो बन जाएगा इसका न्यू ओनर और वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओरिजिनली इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगने वाला था, लेकिन जैसे ही जियान खुद को इससे फैमिलियराइज करने की कोशिश करता है, जियान को एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी हुई थी। वो ये सेंस कर पा रहा था कि बोन चिलिंग फ्लेम उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। इस बड़े सरप्राइज के साथ साथ जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी दिखाई देती है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जियान को बस एक बार सोचने की जरूरत थी। वो पूरे मामले को समझ गया था। जब यालो को हॉल ऑफ सोल ने कैप्चर किया होता है, तब वो इस बोन चिलिंग फ्लेम को जियान की आईब्राउज के बीच में सील कर देते हैं। जियान को इसके ऊपर कुछ कंट्रोल मिल गई थी। दोनों को इतने समय साथ में रहने की वजह से जियान को बोन चिलिंग फ्लेम का सेकंड ओनर माना जा सकता है। अब ये सेकंड ओनर मेन ओनर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर नेचुरल सी बात है कि दोनों के बीच की फेमिलियरिटी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। जियान की गैस के हिसाब से वो बहुत ही जल्दी अपने फ्लेम मंत्रा का यूज करके इस फ्लेम को रिफाइन कर पाएगा। इस तरीके की स्पीड परहैप्स यालो ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा। आगे आने वाली जर्नी के दौरान जियान लगातार अपनी सोल को इस बोन चिलिंग फ्लेम से मर्ज करने की कोशिश करता रहता है। उसकी ऐसी मेहनत और एंड्योरेंस की वजह से हर दिन उसके खिलाफ बोन चिलिंग फ्लेम का रेजिस्टेंस और भी कम होता जा रहा था। एक दिन की बात है, जियान एक बड़े से स्नेक के ऊपर बैठा हुआ होता है। उसका पूरा ध्यान उसकी बॉडी के अंदर केंद्रित था। उसे देख के अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांसें लेनी भी बंद कर दी हैं, लेकिन जियान की सांसें चल रही थी। जब वो सांस लेता था, उसकी आईब्राउज के बीच की फायर सील ग्लो करती थी। चिंगलिन और नाला न्यानरन जियान की ऐसी कंडीशन को काफी लंबे समय से देख रहे थे। फाइनली वो अपने सर को घुमा लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से जियान लगातार इस तरीके से एक्ट करता आ रहा है, वो लोग इससे यूज टू हो चुके हैं। लेकिन जस्ट ये दोनों पीछे मुड़ी पाए थे, हम जियान की बंद आंखों को ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। इस मोमेंट में उसके आईब्राउज के बीच में जो फायर सील होती है वो बहुत ही इंटेंस ग्लो कर रही थी। अगले ही इंस्टेंट में ऐसा लगता है जैसे वो फायर सील जिंदा हो गई है। ये स्लोली विगल होके एक्चुअली में जियान की त्वचा के अंदर एंटर कर गई थी। एंड में ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। जियान की बॉडी में हुए अचानक से इस बदलाव को देख के चिंगलिन और नाला न्यानरन एकदम चौंक गए थे। इससे पहले वो कुछ पूछ पाते जियान की बंद आंखें खुल जाती हैं। अभी उसकी उन काली आंखों को सफेद फ्लेम ने कवर करके रखा होता है। इस मोमेंट में जियान ने बोन चिलिंग फ्लेम के सारे रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था। अब ऐसे बदलाव का क्या एंड रिजल्ट होने वाला है, इस चीज के बारे में जानने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगले एपिसोड में जियान मिलने वाला है येनियन से। अब फ्लावर सेक्ट का पूरा चक्कर क्या है वो मामला और भी क्लियर हो जाएगा। तुम लोग येनियन को लेकर कैसा फील करते हो, फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जैसे येनियन जियान को डेफिनेटली डिजर्व करती है। अगर ये दोनों साथ में होते तो शायद ये BDTH और भी अच्छा हो सकता था। अब ये तो है मेरे विचार। अगर हमारा कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर के वीडियोस आप बिल्कुल मिस ना करो। हमारे चैनल की मेंबरशिप्स भी ओपन है, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपके ऐसा करने से हम फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोस को बना पाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम करते हैं यहीं पे वीडियो को क्लोज। लेफ्ट में पिछला वाला वीडियो शो हो रहा होगा, अगर उसे मिस कर दिया था तो यहाँ से डायरेक्टली उसे देख सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।